अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आखिर क्या है चमकी बुखार? इस चमकी बुखार के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 100 से ज़्यादा बच्चों की जानें जा चुकी हैं। इस चमकी बुखार से बच्चे ही क्यों पड़ रहे हैं बीमार? लीची से क्या है इसका संबंध? चमकी बुखार होने के बाद शुरुआती दौर में कौन कौन से लक्षण देखे जा रहे हैं और किन कारणों से चमकी बुखार हो रहा है, तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। चमकी बुखार, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, दिमागी बुखार, जापानी बुखार, ये सभी एक ही बीमारी के नाम है जो आज के समय में बिहार में मेडिकल इमरजेंसी का रूप धारण कर चुका है। ज्यादातर गर्मी और उष्ण के मौसम में होने वाली यह बीमारी बच्चों के लिए मौत का कारण बन रही है। इस बीमारी से 1 से 10 साल के बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज अगर सही समय और सही तरीके से नहीं किया गया तो इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम किसे कहते हैं? चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम मुख्य रूप से एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के कारण उत्पन्न होती है। इसके वायरस मुख्यतः हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हमारे मस्तिष्क में लाखों तरह के कोशिकाएं और तंत्रिकाएं मौजूद होती है जिसके सहारे हमारा पूरा बॉडी सिस्टम वर्क करता है। चमकी बुखार के वायरस हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर कोशिकाओं में सूजन पैदा करती है जिसके कारण हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत ही स्लो हो जाता है जिसके कारण इसके लक्षण प्रकट होते हैं। चमकी बुखार को एक घातक और गंभीर बीमारी की भी संज्ञा दी गई है। इसे एक तरह से अनट्रीटेबल इलनेस के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए अगर इसके लक्षण आपके बच्चों में दिखे तो इस बीमारी का संपूर्ण और सही इलाज करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब जानते हैं चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम किन कारणों से फैल रहा है। तो चमकी बुखार एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण उत्पन्न होता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी पूर्वक फैल रहा है। मुख्यतः मच्छरों के काटने के कारण यह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अगर किसी बच्चे को चमकी बुखार हो रखा है और अगर आप उसके नज़दीक बिना किसी प्रोटेक्शन के बैठते हैं या तो फिर टाइम व्यतीत करते हैं बिना ग्लव्स और बिना मास्क के, अगर आप उसके नज़दीक बैठते हैं तो संभवतः आपको भी यह बीमारी लग सकती है। जो चमकी बुखार से ग्रसित हैं उनके मल मूत्र छींक खखार से भी यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तो अगर किन्हीं को भी चमकी बुखार हो रखा है तो उनके नज़दीक जाने से पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद ही उसके नज़दीक आप बैठें। चमकी बुखार में दिखने वाले मुख्य लक्षण। चमकी बुखार में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो बहुत ही सामान्य होते हैं। मुख्यतः यह बुखार आपके दिमागी हिस्से को प्रभावित करता है जिसके कारण शरीर में अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें अचानक बुखार आना, अगर आपके बच्चों में अचानक बुखार आता है और वो छूटता नहीं है तो इसमें एक लक्षण हो सकता है। सिर में लगातार तेज दर्द या तो फिर हल्का दर्द होना, चक्कर आना भी इसका एक मुख्य लक्षण है। पूरे शरीर में दर्द होना, बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द होता है। बेहोशी के भी हालत इस बीमारी में देखी गई है। मुंह से झाग आना, बच्चों के मुंह से अक्सर झाग आते रहता है और लार निकलते रहता है। अक्सर बच्चों को नींद आती है, जिसे भी यह बीमारी होती है उसमें अक्सर नींद आने के भी लक्षण देखे गए हैं। आँखों के आगे अंधेरा छाना, शरीर में शून्य हो जाना, अगर किसी बच्चे को चमकी बुखार हुई है तो अगर पूरे शरीर में कहीं भी आप उसे चींटी काटेंगे तो उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, पूरा शरीर उनका शून्य हो जाता है। उल्टी होना या जी मिचलाना इसका एक मुख्य लक्षण देखा गया है। सुनने में भी परेशानी होने का भी लक्षण इसमें देखा गया है। आँखों के आगे धुंधला छाना,
और दांत पर दांत चढ़ना। बहुत सारे बच्चों में जब ये बीमारी होती है तो दांत पर दांत चढ़ता है और उनका मुंह बंद हो जाता है। तो ये सभी लक्षण चमकी बुखार में देखे गए हैं। आखिर बच्चे ही क्यों ग्रसित हो रहे हैं इस चमकी बुखार से? तो जिन बच्चों में चमकी बुखार का लक्षण पाया गया है वो बच्चे या तो फिर अत्यधिक गरीब परिवार से आ रहे हैं या तो फिर उन्हें कुपोषण का शिकार पाया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया है चमकी बुखार एक संक्रामक रोग है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा है और बच्चों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। और जो गरीब परिवार के होते हैं और कुपोषण का शिकार होते हैं, जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण चमकी बुखार के लक्षण उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट होने लगते हैं। चमकी बुखार उन्हें ज़्यादा ग्रसित करता है। तो बच्चों को अगर बचाना है तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें समय पर खाना और समय पर मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध करवानी होगी। लीची और चमकी बुखार में क्या संबंध है? लोगों का कहना है कि लीची खाने के बाद बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को चमकी बुखार ज़्यादा ग्रसित कर रहा है। तो ऐसा क्या है लीची में जिसके कारण बच्चे ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं चमकी बुखार से? तो लीची में हाइपोग्लाइसिन ए तथा मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल नामक एक रासायनिक तत्व पाया जाता है। अगर इन दोनों तत्वों का सेवन खाली पेट किया जाए तो आपका शरीर का ब्लड शुगर तेज़ी से कम होने लगता है। जो बच्चे रात में खाना खाकर नहीं सोते हैं सुबह में उनके शरीर का ब्लड शुगर ऐसे ही कम हो जाता है। अगर कोई बच्चा रात को खाना खाकर नहीं सोया है तो उसका जो ब्लड शुगर है वो सुबह में कम होता है और जब वह बच्चे खाली पेट लीची को ग्रहण करते हैं तो उसके शरीर का ब्लड शुगर अत्यधिक रूप से कम हो जाता है। अगर वो खाली पेट, अगर रात में खाना खाकर कोई बच्चे नहीं सोए हैं और वो खाली पेट लीची का सेवन करते हैं तो वो दोनों रासायनिक तत्व उनके शरीर में जाता है और उनका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, जो चमकी बुखार में हुई मौतों का एक कारण बन रहा है। हालांकि इन मौतों के पीछे लीची कितना जिम्मेवार है यह जांच होने पर ही साफ हो पाएगा। अगर चमकी बुखार के लक्षण आप में आपके बच्चों में दिखे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपके बच्चे रात में खाना खाकर नहीं सो रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से खाना खाकर सुलाएं। रात को भूखे पेट अपने बच्चों को कभी न सोने दें। अगर आपके बच्चों में लक्षण दिख रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से बच्चों के ऊपर कभी न करें। अगर आपके बच्चों में यह लक्षण दिख रहा है तो अपने बच्चों के शरीर से पूरे कपड़े को उतार कर उससे पानी से भिगोकर अच्छी तरीके से पोंछें ताकि उनका फीवर कम हो सके। अगर बच्चों के मुंह से लार गिर रहा है और झाग निकल रहा है तो बच्चों के मुंह से साफ कपड़े से लार और झाग को पोंछें ताकि वह श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर सके, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम न हो सके। धूप में बच्चों को जाने न दें। ORS का घोल पिलाएं और नींबू पानी का इस्तेमाल करें जिसके कारण आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी न हो सके और ग्लूकोज जो शुगर की कमी हुई है वो पूरा हो सके। चमकी बुखार से बचने के लिए आप अपने बच्चों को रात में खाना खिलाकर सुलाएं। खाली पेट लीची का सेवन कभी न करने दें। किसी भी ग्रसित व्यक्ति के नज़दीक बैठने से पहले आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन का सहारा लें। आप मास्क पहने या तो फिर ग्लव्स पहने, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएं, उसके बाद ही किसी ग्रसित व्यक्ति के नज़दीक जाकर बैठें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।